जो लोग किसान पंचायत के नाम पर या तथाकथित किसान पंचायत जो थी उसके नाम पर बहुत सारा हल्ला कर रहे हैं, उनको ये याद रखना चाहिए कि पॉलिटिक्स में दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं ऑप्टिक्स और दूसरी चीज़ होती है आउटकम। तो ऑप्टिक्स कुछ और दिखते हैं कई बार, उसका आउटकम कुछ और आता है। मैं उदाहरण देता हूँ, जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के एक साथ आए थे, बड़ा हल्ला हुआ था कि यूपी के दो लड़के और इस प्रकार की बातें हुई थी, एक बड़ी रैली भी की थी, बहुत सा मीडिया कवरेज भी कई चैनलों ने दिया था और कहा जा रहा था कि एक बहुत स्ट्रांग फोर्स है, आउटकम हम सब ने देखा। उसी प्रकार से जब बुआ बबुआ साथ आए थे उत्तर प्रदेश में तो भी बहुत ज़्यादा हल्ला हुआ था कि अब तो ये गेम चेंजर हो गया। और वो क्या गेम हुआ, फिर क्या वहाँ पर किस प्रकार से गेम चेंज इन लोगों का हुआ, वह भी हमने आउटकम देखा। जहाँ तक किसानों की बात है, मैं असली किसानों की बात कर रहा हूँ, तो किसान बहुत सारी चीज़ें देखता है। किसान यह भी देखता है कि गन्ने का जो पहले पैसा नहीं मिलता था, आप कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमने 40 रुपये अखिलेश यादव ने एक साथ बढ़ा दिए थे गन्ने के भाव में, लेकिन वो हमारी सरकार ने वो मूल्य का भुगतान किया। उन्होंने तो केवल घोषणा की थी, उन्होंने भुगतान तो नहीं किया ना, भुगतान तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो चीज़ों को टालने के लिए आप कुछ भी घोषणा करते रहें वो सालों तक भुगतान नहीं करें। तो जिस प्रकार से समय पर भुगतान होने लगा, जिस प्रकार से कोरोना की वैक्सीन कितनी व्यापक स्तर पर मिल रही है और निःशुल्क मिल रही है, किस प्रकार से जो गाँव को लौटे थे लोग शहरों से और खाने पीने की समस्या थी जब लॉकडाउन के दिन थे, तो उस समय किस प्रकार से सरकार ने निशुल्क अन्न वितरित किया, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश जो कि लॉ एंड ऑर्डर की बदहाली के लिए कुख्यात हुआ करता था, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश किया। तो जो वोट होता है ना, वो वोट का जो आउटकम होता है इन सब चीज़ों पर होता है, ऑप्टिक्स पर नहीं होता। तो ऑप्टिक्स कुछ भी हो सकते हैं और आउटकम जो होता है वह बहुत सारे फैक्टर्स पर, गुड गवर्नेंस के फैक्टर पर डिटरमाइन करता है। और ये भी मत भूलिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी भी दो विपक्ष की ऐसी दल हैं जिनमें कुछ हद तक ताकत है, चाहे वो अजीत सिंह की पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो। तो ये लोग कुछ भीड़ एक मैदान में इकट्ठी कर सकते हैं, एक स्टेडियम में इकट्ठी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश इनके साथ है। एक होता है ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स क्रिएट करने की इनकी शक्ति अभी भी है जो इन्होंने करके दिखाई, लेकिन आउटकम लाने के लिए ये लोग सक्षम नहीं है, पूरी तरह से धराशाही होंगे।